अच्छा मैं एक चीज जरा मैं भी तो शेयर करूँ ना, वो मुगल साहब की तरह मैं भी तो दिखाऊँ ना लोगों को अपने बचपन के दिन। हम भी तो दिखाए ना। ये देखो, ये है माइलेज, देखिए आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक सेकेंड। शेयर स्क्रीन करें और नीचे वो छोटा सा टिक बटन होता है शेयर ऑडियो का। हाँ, आई विल डू इट। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। नहीं, इनको दिखा देती हूँ ना कि महालीज गाली नहीं देती थी हमेशा से भाई, खुश कर करके। जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं भी वहीं से हूँ। तो आज हम जी आपका बहुत माशाल्लाह अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो आज हम शो पे देख लो, मालीज हमेशा गाली नहीं देती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों पे जब आप दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, कोई काम करवाना होता है किसी से, तो वो कल 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 कहते रहते हैं। कैसा लगता है? एनीवेज दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा, लड़की अब औरत हो गई है भाई, बच्चे की माँ हो गई है इस वजह से। कोई बात नहीं, I'm gonna work out again यार, once I lose my weight ना, I've seen like I've put on आपकी इनोसेंस, आपकी इनोसेंस और क्यूटनेस, मुझे शक पड़ रहा है इस मासूम सी लड़की के पीछे एक बहुत बड़ा शैतान बैठा हुआ है जो अभी छुप के बैठा हुआ था। अच्छा, कैमरा ऑन होता था ना जैसे, तो अभी जैसे हम ग्रीन स्क्रीन लगा के बैठे हैं, तो जैसे ऑफ होता था ना पीछे सिगरेट की, मैंने वो एस्ट्रे नहीं होती थी, एक ड्रिंक पीछे होती थी, और ये सारे पाकिस्तानी शोज ऐसे होते थे वहां पर, सारों के मैं गई हूँ टू यू नो वर्क विद देम एंड सब, इंटरव्यूज के लिए जाती थी, सब पीछे से सिगरेट फॉर इतनी जल्दी जल्दी पी रहे होते थे, ब्रेक 5-6 मिनट की होती थी, यू नो लाइव कॉल्स लाइव उसमें, तो इट वॉज टू फनी। मगर महालीज जो है ना हमेशा से गाली नहीं देती थी, महालीज ने बहुत प्रोफेशनली बातें की हैं। मगर बात यही है ना, मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मेरे को कोई बोल नहीं सकता, मैं अपना शो अपने तरीके से चलाती हूँ, and I like to do this like this, you know.